एक लड़की जिसने 7 साल पहले लिखी थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। आज जिस लड़की की स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है। इस लड़की के बारे में इंटरनेट पर भी बहुत कम बताया गया है। वो बचपन से बहुत तेज थी। ये कहानी अम्बा की है, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में एक कविता लिख देती है। अम्बा ने अपने पिता को 1 नवंबर 1995 को वो कविता गिफ्ट में दे दी थी, जो भविष्य की सच्चाइयों को बयां कर रहा था। और यही गिफ्ट हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। आखिर क्या लिखा था उस कविता में, आखिर क्या वो मिस्ट्री थी? उस कविता में अम्बा ने कुछ यूं लिखा था। एक निर्जीव शरीर पड़ा मेरा शरीर, जिसमें बंधी थी मैं अनेकों धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए, झूम उठी मैं अपनी आजादी से। मैं उड़ी, मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नजर देख तो लो मेरी खत्म होती जिंदगी। मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा, खून में लथपथ यादें, 21 साल की विदाई इस शरीर की, सारे बह गई इस मन से। लेकिन आज मैं उठी और उड़ी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकियां। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली थी पर मैं खुश, आंखों में लिए सपना। अम्बा ने अपनी जिंदगी में केवल यही कविता लिखी थी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का भी बहुत शौक था। अम्बा अपने पापा और अपनी सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। धीरे धीरे अम्बा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते रहते थे। एक दिन अम्बा देर रात तक घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए। होने को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001, अम्बा की जिंदगी में वही मोड़ आ गया। उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही पंक्तियां उसकी आखिरी सच बन गई। उसकी गाड़ी रात अंधेरे में भटकने से खाई में जाके गिर पड़ी और वो उन्हीं कविताओं के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फोन के जरिए अम्बा की मौत की खबर मिली और जिसका उन्हें डर था वही मंजर उनके सामने खड़ा था। जब उसके पिताजी से मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक दिन उसके साथ उसके घर में जाकर कुछ फुर्सत के पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने 7 साल पहले अपनी कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई भी साइंस या लॉजिक काम नहीं करता है और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कोई तो शक्ति है जो हमसे ज्यादा जानती है और वो हमेशा हमें चेतावनी देने की कोशिश करती है, बस हम समझ नहीं पाते उन इशारों को, उन संकेतों को। मानो या ना मानो, कुछ तो है।